फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं पत्नी के झगड़ालू स्वभाव को लेकर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जेंट्स का कमेंट्स आता है अपनी पत्नी को लेकर। वो बताते हैं कि आजकल उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पर झगड़ा करती है, बात बात पर ताना मारती है, एकदम चिड़चिड़ी रहते हैं कि कुछ भी कहो तो बस एकदम जैसे काटने को दौड़ती है। उनका स्वभाव ऐसा हो गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे अपने पत्नी के स्वभाव को अच्छा बनाएं, कैसे उनके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन आ गया है इसको दूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। शादी होने के बाद एक लड़की अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते अपने पति की जिम्मेदारियां, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, अपने लोज की जिम्मेदारियां संभालते संभालते पता ही नहीं चलता कि कैसे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर आज आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी पत्नी के स्वभाव के चिड़चिड़ेपन को दूर कर पाएंगे। पहला पॉइंट है, वजह ढूंढिए। देखिए, अगर पत्नी का स्वभाव पहले अच्छा था, अब खराब हो गया है, तो आपको वजह ढूंढनी होगी कि किस वजह से खराब हुआ है। कितनी बार होता है कि बच्चों की फ्रस्ट्रेशन होती है, वो बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। कितनी बार होता है कि इन लोग की तरफ से परेशान रहते हैं कि इन लोग से नहीं बनती हैं। कितनी बार होता है कि काम का तनाव रहता है, या कितनी बार होता है कि अपने पति से फ्रस्ट्रेशन रहती है, पति को लेकर बहुत टेंशन रहती है, आपस में दोनों की नहीं बनती है। मतलब कोई भी हो सकता है कारण, उस वजह को ढूंढिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए। और कितनी बार, एक और कारण होता है कि कितनी बार कोई लड़की ऐसी भी होती है कि उसका नेचर ही झगड़ालू होता है। कुछ टाइम तक तो वो सही रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपना जो उनका पहले वाला रूप होता है ना, उसी में आ जाती है। तो कुछ का स्वभाव ही झगड़ालू होता है, तो उसको तो आप फिर नज़रअंदाज करिए। कोई बात नहीं, किसी किसी का होता है, बात बात पर टेंशन ले लेती हैं, बात बात पर गुस्सा दिखाती हैं, किसी का होता ही है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो अगर काम की वजह से स्वभाव में चेंज आया है, बच्चों को लेकर चेंज आया है, या इन लॉज को लेकर चेंज आया है, तो उसको दूर करने की कोशिश करिए, उसको समझिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए। क्योंकि कितनी बार होता है कि हम चाहते तो हैं कि पत्नी का स्वभाव चेंज हो जाए, इनका खराब हो गया है, उनका चेंज हो जाए, लेकिन कुछ भी एफर्ट नहीं करते। तो अपनी तरफ से एफर्ट करिए, उनसे बात करिए और उस वजह को ढूंढकर उसको दूर करने की कोशिश करिए। सेकेंड पॉइंट है, समय भी दीजिए। देखिए, मेरे पास ना पत्नियों के भी कमेंट्स आते हैं कि आजकल उनके पति के पास उनको देने के लिए समय ही नहीं है। वो मोबाइल को भी अपना पूरा टाइम देते हैं, अपने ऑफिस में भी पूरा अच्छे से काम करते हैं, घर परिवार के साथ भी बैठते हैं, लेकिन पत्नी के लिए समय नहीं है। वहीं पर मुझे पति भी बताते हैं कि पत्नी के लिए भी समय भी नहीं है और पत्नी का स्वभाव भी झगड़ालू हो गया है। तो दोनों की बातों को सुनकर तो यही निकल के आता है कि दोनों का जो स्वभाव चेंज हुआ है ना, वो इसी वजह से हुआ है कि दोनों को एक दूसरे के देने के लिए समय ही नहीं है, बातों की कमी है। जहाँ पर दोनों में आपस में बातें नहीं होती ना, वहाँ पर भी ये दिक्कतें आ जाती हैं, वहाँ पर फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखिए, आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहती है, कुछ अपने बच्चों की परेशानी होती है, कुछ घर परिवार को लेकर कुछ बातें होती है, और आपके पास समय नहीं है अपनी पत्नी को देने के लिए, तो वो क्या होता है, वो बातें अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहती हैं। कुछ आपकी हो जाती है, कुछ घर परिवार की हो जाती है, और फिर वो बेचारी क्या करती है, वो परेशान हो जाती है, फिर वो झुंझलाहट में रहती है, झुंझलाहट वो उतारती रहती है, कभी काम पर उतारेंगी। आपने देखा ना, किचन में कुछ महिलाएं क्या करती है, बर्तन बहुत जोर जोर से उठक पुठक करती हैं, खाना बनाएंगी तो ऐसे बनाएंगी कि पता नहीं बस क्या खाना बना रही है कि क्या कर रही है। वो इसी वजह से, क्योंकि माइंड में उनके कुछ और ही चलता रहता है, दिमाग उनका कहीं और ही रहता है, क्योंकि वो निकल नहीं पाती बातें। तो प्लीज, अगर आपको लगता है ना कि आपकी पत्नी का स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है, तो कहीं ये तो नहीं है कि आप उनको समय नहीं देते। उनके साथ बैठिए, बात करिए, आप पत्नी से बोले कि चलो चाय बना कर लाए, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ चाय पिए, चलो आज बैठकर चाय पीते हैं। दोनों बातें करते हैं, देखिए 15 मिनट, चाय पीने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट ही लगते हैं। 15 मिनट में आप किसी के स्वभाव को चेंज कर सकते हैं, 15 मिनट में आप किसी की बातों को सुन सकते हैं, अपनी सुना सकते हैं, आपके जो मन में जो बातें हैं वो भी निकल जाएंगी, आपकी पत्नी के मन में जो बातें हैं वो भी निकल जाएंगी। थर्ड पॉइंट, तारीफ करिए।
देखिए, ये तारीफ ना अपने आप में इतना बड़ा शब्द है कि आप इससे अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी होता है। ये तो पति पत्नी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, आप तारीफ करके अपने रिश्तों में जान डाल सकते हैं। देखिए, आप ये बताइए, आपकी पत्नी है, घर पे पूरा घर भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, आपके घर परिवार को भी संभालती है, सभी कुछ काम करती है। आप अगर अपनी पत्नी को तारीफ के दो शब्द बोल देंगे तो आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। जैसे आज आपने जो साड़ी पहनी है ना, बहुत प्यारी लग रही है, तुम पर ये कलर ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर तुम बैंगन का भरता इतना अच्छा बनाती हो कि तुम्हारे तो सभी तारीफ करते हैं। जो भी तुम्हारे हाथ का बैंगन का भरता खाता है ना, वो तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रहता, भाई बहुत अच्छा बनाती हो। ऑफिस में भी सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। या तुम घर को कितने अच्छे से मैनेज करती हो, तुम बच्चों को भी संभालती हो, मुझे भी संभालती हो, तुम थक जाती हो, चलो बैठो आराम कर लो, थोड़ी देर अपने लिए भी समय निकाल लो, कुछ भी। या तुम ये डेजर्ट बहुत अच्छा बनाती हो, तुम रसगुल्ले बहुत अच्छा बनाती हो, तुम पेड़ा बहुत अच्छा बनाती हो, कुछ भी बोलकर आप उनकी एटलीस्ट तारीफ तो कर सकते हैं ना। इसमें आपका जाता ही क्या है, मुंह से ही तो बोलना है ना, आपके पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता, बस आपको दो शब्द बोल देने हैं और देखिए आपका रिश्ता कैसा बन जाएगा, और जो आपकी पत्नी की फ्रस्ट्रेशन है ना, वो तो दूर हो जाएगी। इसलिए अपनी पत्नी की तारीफ जरूर करें। और ये तारीफ ना ऐसा है कि मैं इस पर ना एक बड़ी वीडियो लेकर आऊंगी कि तारीफ करने से हमारे कितने फायदे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कूल रहे। देखिए, अगर एक गुस्सा करता है, ये मैं दोनों के लिए ही बोलती हूँ, यहाँ पर जो भी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, अगर एक गुस्सा करता है, चाहे पति गुस्सा कर रहा है या पत्नी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आज हम पत्नी पर ही बात कर रहे हैं, तो मैं पतियों को ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी पत्नी गुस्सा करती है तो प्लीज आप कूल रहें, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। कितनी बार क्या होता है कि जेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी ताकत का यूज करते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं अपनी जीभ का यूज करती हैं, क्योंकि उनके पास जेंट्स से ज्यादा ताकत तो नहीं होती। कोई किसी भी लेडी के पास में, किसी भी महिला के पास में, एक आदमी के पास जितनी ताकत होती है, महिला इतनी ताकतवर नहीं होती। तो उसकी ताकत किससे होती है, उसकी ताकत होती है उसकी जीभ से। तो वो बोल के अपनी ताकत दिखाती है, और आदमी क्या करते हैं, वो अपनी ताकत, अपनी शारीरिक ताकत दिखाते हैं, वहां पर भी झगड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कूल रहे। आपकी पत्नी अगर गुस्सा करती है तो आप उस टाइम कूल रहे, बाहर निकल जाए या चुप हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी कभी तेजी से गुस्सा आता है ना, वो इतनी तेजी से ही ठंडा भी हो जाता है। कभी भी आप फील करिएगा, अगर गुस्सा तेजी से आता है ना, तो वो तेजी से ही ठंडा भी हो जाता है, और अगर धीरे धीरे आग सुलगती रहती है ना, वो भयानक बन जाती है। तो अगर आपकी पत्नी को तेजी से गुस्सा आ रहा है ना, तो आप वहां से बाहर निकल जाइए, ये 5-10 मिनट का गुस्सा है, अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, बस आपको कूल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां पर मेरे पास जेंट्स के भी कमेंट्स आते हैं और लेडीज के भी कमेंट्स आते हैं, तो उन दोनों की बातें सुनकर ही मुझे लगता है कि देखिए, घर में कोई भी फैसला होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो प्लीज आप अपनी पत्नी की भी राय जरूर लें। भले ही आपको अपनी मन की करनी है, लेकिन पत्नियों की भी राय लें, क्योंकि इससे भी पत्नी को फ्रस्ट्रेशन होती है, वो परेशान हो जाती है कि घर में कुछ भी सामान आता है, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या सामान आया है, कितने का आया है, कब ये आएगा, क्यों ये आया है, उनको कुछ नहीं पता। बस कुछ जेंट्स क्या करते हैं, अपने घर में अपने जो मदर होती हैं या फादर होते हैं, उनसे बात करते हैं और घर में कोई भी सामान परचेज कर लेते हैं, पत्नी को पता ही नहीं है। उनसे जब वो सामान घर में आ जाता है, तब पता चलता है कि ये सामान आया है। फिर उन पे क्या करते हैं कि दूसरे लोग उन पर अपनी मनमानी करते हैं, देखो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने नहीं बताया, हम तो एक हैं, तुम अलग हो। तो ये सोचते सोचते भी कि उनको ये लगता है कि बस मैं क्या हूँ, एक काम वाली हूँ, कि पूरा दिन घर संभालती हूँ, बाकी और मेरे घर में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। इससे भी क्या होता है कि वे झुंझलाहट में आ जाती हैं, इससे भी वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हैं, और फिर गुस्सा कहाँ उतरता है, या तो अपने बच्चों पर उतरता है या फिर अपने पति पर उतरता है। तो प्लीज आपको कोई भी काम करना है, देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का ना करें, आप अपने पेरेंट्स का भी करिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, उठना बैठना खाना पीना और इस लायक बनाया है कि आपकी शादी हो पाए। लेकिन आप अपनी पत्नी का भी करिए, क्योंकि वो पत्नी भी आप के लिए अपना घर छोड़ कर आई है। तो इसलिए आप दोनों को ध्यान में रखें, अपने पेरेंट्स का भी करिए और अपनी पत्नी का भी करिए। देखिए, हमें ना लाइफ को बैलेंस बनानी चाहिए, और जेंट्स ना का ना बहुत बड़ा रोल होता है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। वहां पर उन्हें अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना होता है और अपने पेरेंट्स का भी रखना होता है, अपने घर परिवार के और भी जो मेंबर होते हैं, अपनी बहन भाई होता है, उनका भी ध्यान रखना है। तो लाइफ को एक बैलेंस लेकर चलिए,
कि आपको दोनों का रखना है, दोनों ही परेशान ना हो, दोनों को इक्वली सपोर्ट दे, दोनों का इक्वली ही ध्यान रखे, और ये एक आदमी ही कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक आदमी का रोल ना शादी होने के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है, उनके कर्तव्य और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी पत्नी पर कुछ लोग ना ज्यादा टोका टाकी भी करते हैं, तुम ये मत पहनो, तुम उससे बात मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम ऐसी नहीं हो, देखो पड़ोस वाली कितनी अच्छी है, तुम वैसी नहीं रहती हो। एक तो उनको कहेंगे तुम ये पहनो वो पहनो, ऊपर से अगर वो वही पहनती है तो फिर उनकी कंपेयर पड़ोस वाली से करते हैं कि तुम ऐसी नहीं लगती। देखिए एक तो पत्नी क्या है, अपनी पत्नी की जो भी वो चाहते हैं वही कोशिश करती है कि उनको रेड कलर पसंद है तो रेड पहने, उनको ये कलर पसंद है तो ये पहने, उनको ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, उसमें भी अपनी पसंद तो भूल जाते हैं और आप ही की पसंद को पहनते हैं, और फिर आप ही बाद में उनको जब ये बोलते हैं कि देखो पड़ोस वाली बहुत अच्छी लग रही है। और भाई मैं ये सभी को बोलना चाहती हूँ, देखिए पड़ोस वाले ना सभी को अच्छी लगती है और पड़ोस वाले भी सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी वाली और अपने वाला ज्यादा अच्छा रहता है, इसी को अच्छा मानिए। इसलिए पड़ोस वाली में या पड़ोस वाले पे मत जाइए। ये मैं पत्नी और पति दोनों को इक्वली ही बोलती हूँ कि देखिए बाहर के सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे तो अपने बनाने हैं ना, रिश्ता तो अपने से निभाना है ना, इसलिए अपने ही अपनाइए, अपने को स्वीकार करिए, उनको टोका टोको नहीं, रोका रोकी नहीं, जो भी है उनको फ्रीली करने दीजिए। वो भी अगर कुछ पहनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कहीं आने जाना चाहती हैं तो उनको जाने दीजिए, ज्यादा टोका टाकी नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उनको प्यार से समझा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी बात को अगर प्यार से समझाया जाए या बताया जाए और सामने वाला उसको ना माने। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट करें। देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी पत्नी का बिहेवियर चेंज हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी का बिहेवियर अब वो नहीं रहा, थोड़ा झगड़ालू हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी उम्मीदें भी रहती हैं कि उनको भी आपसे प्यार करती है, उनको ये रहता है कि सामने वाले भी मुझे इतना ही प्यार करे, मुझे भी इतनी ही रेस्पेक्ट दे, तो कहीं ना कहीं ये भी रहता है। तो भाई अपनी पत्नी को प्यार भी दीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान भी करिए। यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। देखिए दोस्तों हम किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक वो खुद ना बदलना चाहे, जब तक वो खुद अपने आप से ना चाहे कि हाँ मेरे स्वभाव में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ मेरे स्वभाव में कुछ कमी है, इसको ठीक करना है, तब तक हम नहीं कर सकते, वो खुद ही ठीक करेगा। तो बस आप एफर्ट करिए, कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखें, कोशिश करिए कि अपनी तरफ से कोई गलती ना हो। जब हम कोई गलती नहीं करेंगे तो आपकी पत्नी अपने आप ही फील करेगी और उनका स्वभाव अपने आप ही चेंज हो जाएगा और अच्छा बन जाएगा जैसे पहले था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।